छात्रों आज हम कविता करेंगे। छात्रों आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में जो हमारा विद्युत वाला पाठ चल रहा है तो उसका हम भाग 3 पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में कि किस प्रकार प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन कि किस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन होता है, क्योंकि अलग अलग उपकरणों में जब हम परिपथ में उपकरणों को जोड़ते हैं तो हमें कहीं कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, कहीं ज़्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, और उपकरण भी तरह तरह के होते हैं। तो हम किसी भी परिपथ में प्रतिरोधों को हम इस प्रकार 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम क्या है पहला पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में मान लो 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और ये R3। तो हम तीनों प्रतिरोधों को मान लो ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। तो हम क्या करते हैं, तीनों प्रतिरोधों को एक के बाद एक, देखिए चित्र में, एक तार के द्वारा इस प्रकार एक सिरे को दूसरे सिरे से लगाते हुए जोड़ते हैं तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप देखेंगे इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई, एक से अधिक प्रतिरोधों का एक सिरा और दूसरे प्रतिरोधों का पहला सिरा इस प्रकार जोड़ देंगे तो इस क्रम को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और इसको श्रेणी क्रम को हम सीरीज भी बोलते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। और आपको परिपथ के बारे में पता ही है कि यहाँ पर हमेशा वोल्टामीटर को हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ये देखिए ये एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी और एक ये क्या है कुंजी, कुंजी लगी हुई है, इस प्रकार धारा विद्युत के स्रोत से बहती हुई यहाँ पर जा रही है। दूसरा जो संयोजन है हमारा वो है समानांतर क्रम संयोजन। तो इसमें क्या होते हैं, मान लो 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 और R3। तो इनको हम समानांतर क्रम, मतलब देखिए जैसे ये 1, 2 और ये 3 प्रतिरोध, हम तीनों को इस प्रकार एक ऐसे 2 बिंदुओं से, हम ऐसे 2 बिंदु हो गए जैसे ये X और ये Y, तो इन बिंदुओं से हम तीनों प्रतिरोधों को आपस में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच ये तीनों प्रतिरोध जुड़ जाएं। तो इस क्रम को हम क्या बोलेंगे, समानांतर क्रम संयोजन। आप देख सकते हो ये, और जो समानांतर क्रम संयोजन है इसका दूसरा नाम है पार्श्व क्रम संयोजन। कभी दूसरा नाम भी आ सकता है, इसलिए समानांतर का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम संयोजन। देखेंगे आप, वही बैटरी लगी हुई है, कुंजी लगी है, अमीटर श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, धारा को नापता है। इस प्रकार आप देखेंगे हमेशा विद्युत धारा सेल के धन सिरे से निकलती है, ये आप एरो से देख सकते हैं। R1, R2, R3 ये 3 प्रतिरोध हैं और इनके समानांतर क्रम में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा IMP हैं कि इनका संयोजन किस प्रकार किया जाता है। अब जब हम श्रेणी क्रम में हमने तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा है, यहाँ पर 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, R1, R2, R3, तो अब पूरे निकाय का, पूरे परिपथ का
प्रतिरोध कितना होगा हमें ये पता करना है। तो हमें कुल प्रतिरोध कुल प्रतिरोध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समानांतर क्रम में विभवांतर हर बिंदु का यहाँ पर अलग अलग होगा। तो इस प्रकार इसका जो कुल प्रतिरोध है, तो वो कुल प्रतिरोध है, इसमें जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनका आप योग कर दीजिए, तो श्रेणी क्रम में संयोजित परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए एक सूत्र है, कुल प्रतिरोध कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, जितने भी प्रतिरोध आपने जोड़े हैं उन प्रतिरोधों का आप योग कर दीजिए। यहाँ हमने तीन प्रतिरोध जोड़े हैं, यदि तीन से ज्यादा है तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं। मान लो तीन प्रतिरोध हैं, मान लो R1 का मान मान लो 5 ओम है, R2 2 ओम है और R3 मान लो 8 ओम है। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, 5 2 7 और 8 15। इस प्रकार हम ये सूत्र से हम श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ये इसमें गणित भी आ सकते हैं आपको साधारण से। अब हम पढ़ेंगे समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध होगा उसका व्यतिक्रम, जो जुड़े हुए जो प्रतिरोध हैं वो व्यतिक्रम मतलब बटे में लिखेंगे आप, उल्टा करके लिखेंगे, जुड़े हुए जो प्रतिरोध हैं उनके व्यतिक्रम के योग के बराबर होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो बराबर बराबर होगा। तो इस प्रकार इसका जो सूत्र होगा RP, P इसलिए लाए क्योंकि समानांतर क्रम को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, इसलिए RP व्यतिक्रम हो गया, 1/2 लिखा तो वो व्यतिक्रम। तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो तीनों प्रतिरोधों का व्यतिक्रम का योग ये R3। यदि आपको और जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम तीनों प्रतिरोधकों का व्यतिक्रम का योग इसका क्या होगा, कुल प्रतिरोध होगा। ये समानांतर क्रम में आप देख रहे हो R1, R2 और ये R3। इस प्रकार इनका हो सकता है, इनका ये विद्युत धारा अमीटर नाप रहा है और इनका विभवांतर एक ही होगा क्योंकि ये इस बिंदु से जुड़े हुए हैं x और y। तो इस प्रकार इन तीनों का निकाय का जो तीन प्रतिरोध हैं उनका जो विभवांतर होगा वो एक जैसा ही रहेगा। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा है ये, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तापीय मतलब ऊष्मीय प्रभाव। आपने बल्ब जलते हुए देखा है कि उसमें बल्ब में एक जो तार लगा हुआ होता है वो आपने देखा होगा, एक फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन धातु का होता है। जब हम उसमें विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और विद्युत धारा के द्वारा इस प्रकार ऊष्मा के कारण भी तो वो इस तार गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वो प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। विद्युत प्रेस, विद्युत केतली जिसमें पानी गर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मतलब जब हम किसी भी प्रतिरोध में विद्युत धारा क्या करें, प्रवाहित करें, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस प्रकार ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का क्या बोलते हैं, तापीय प्रभाव। और इसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में किस प्रकार कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं आप देख सकते हो। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम बल्ब में उपयोग कर सकते हैं, बल्ब में जो तार है वो गर्म होकर फिर प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। विद्युत प्रेस,
टोस्टर, तंदूर, केतली, ये सब में हम विद्युत के तापीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। तापीय प्रभाव को ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। फ्यूज वायर में आपने फ्यूज शब्द सुना होगा कि कभी कभी घरों में ओवरलोडिंग हो जाए या आवश्यकता से अधिक करंट बहने लगे या कभी लघु पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमारा जो फ्यूज है एक सुरक्षा युक्ति है, वो उसमें उसका जो वायर लगा हुआ है वो उसका गलनांक बहुत कम होता है और वो गर्म होने से पिघल जाता है और हमें वो परिपथ पूरा जो जिससे करंट बिजली विद्युत धारा बह रही है वो टूट जाता है और हमारे उपकरण खराब होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो इस प्रकार फ्यूज वायर में भी हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। और फ्यूज क्या है यह हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि फ्यूज एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। शक्ति जो विद्युत है, हम शक्ति को घंटे में भी नाप सकते हैं। तो जो विद्युत शक्ति है जो उसका जो मात्रक है वैसा ही वो है वाट। तो विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा व्यय की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति। तो इस प्रकार का ये सूत्र लिखा हुआ है जो पी बराबर वी आई। तो इस प्रकार ये पी क्या है? शक्ति है। इसका जो मात्रक है वो W, मतलब ये वाट, वाट से हम प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसका एक बड़ा मात्रक है किलो वाट। किलो वाट मतलब ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का एक और मात्रक है वाट घंटा। ये शक्ति का मात्रक है, यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। शक्ति का मात्रक है वाट और किलो वाट। और विद्युत ऊर्जा, जितनी ऊर्जा वहां से आती है आपकी जो मेन लाइन से, जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसको हम वाट घंटा में नापते हैं। और वाट घंटा का एक मात्रक किलो वाट घंटा होता है, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। बिजली का जो बिल आता है वो यूनिट में आता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं वाट घंटा और इसको किलो वाट घंटा, मतलब एक घंटे में जितनी भी क्या हो रही है आपकी बिजली खर्च हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाट घंटा बोलेंगे। और इस प्रकार एक किलो वाट होता है 1000 वाट के बराबर होता है। और जो 1 किलोवाट घंटा है वो घंटा मतलब एक घंटे, आपने 1000 वाट 3600 सेकेंड, एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इस प्रकार हम 1 किलोवाट घंटा बिजली जो खर्च हुई है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं यूनिट। मतलब एक घंटे में आपने 1000 वाट ऊर्जा खर्च होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक यूनिट बोलेंगे। अब इसमें प्रश्न आते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम का रेखा चित्र बनाइए और एरो का निशान अवश्य लगाना है। और फ्यूज वायर किस प्रकार हमारे विद्युत उपकरणों को नष्ट खराब होने से बचाता है। धन्यवाद बच्चों।